नमस्कार, ट्रेंडिंग न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। इस खास बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की वो खबरें जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रही हैं, यानी कि सबसे ज्यादा नजरें बटोर रही हैं, सुर्खियां बटोर रही हैं। और आज जिस खबर पर सबसे ज्यादा पूरे देश की नजरें टिकी हैं वो है करगिल का विजय दिवस, जिसकी आज 25वीं वर्षगांठ है। और करगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। करगिल में प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान पर भी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि करगिल में असत्य और आतंक की हार हुई थी। पाकिस्तान ने इतिहास से फिर भी कुछ सीखा नहीं, यानी कि 25 साल पहले जिस तरीके से पाकिस्तान को करगिल में मुंह की खानी पड़ी थी उसके बावजूद पाकिस्तान ने कुछ सीखा नहीं, क्योंकि तब से लेकर अब तक लगातार पाकिस्तान घुसपैठ की कोशिशें करता है, आतंक को बढ़ावा देता है। इन 25 सालों में आतंक के आका ने कुछ भी सीखा नहीं है। करगिल दिवस के 25 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने कहा कि पाकिस्तान ने अतीत में जितने भी दुष्प्रयास किए उसे मुंह की खानी पड़ी, लेकिन पाकिस्तान ने अपने इतिहास से कुछ भी नहीं सीखा। वो आतंकवाद के सहारे अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने का प्रयास कर रहा है, लेकिन आज जब मैं उस जगह से बोल रहा हूं जहां आतंक के आकाओं को मेरी आवाज सीधे सुनाई पड़ रही, मैं आतंकवाद के इन सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि उनके नापाक मंसूबे कभी भी कामयाब नहीं होंगे। आतंकवाद को हमारे जांबाज पूरी ताकत से कुचलेंगे, दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। करगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करगिल पहुंचे थे और उस दौरान शहीद हुए जवानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि दी और साथ ही साथ वहां से पाकिस्तान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेतावनी भी दी है। शौर्य के 25 सालों की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद 1999 में करगिल हुआ था, आपको याद होगा, और उस दौरान कैसे पाकिस्तान को और पाकिस्तान के जो आतंकी थे उन्हें भारतीय सेना के जाबाजों ने मुंह तोड़ जवाब दिया था, चुन चुन कर मौत के घाट उतारा था और पाकिस्तान को कदम पीछे खदेड़ने पर मजबूर कर दिया था। शौर्य के उस दिन को आज 25 साल हुए हैं और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवानों के बीच पहुंचे और जवानों के उस शौर्य को याद करते हुए पाकिस्तान को एक बार फिर से चेताया कि जितनी भी कोशिश कर लो पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देने की, हमारे जाबाज कभी भी तुम्हारे इस मंसूबे को कामयाब नहीं होने देंगे और जब जब आतंक की सरपरस्ती पाकिस्तान करेगा तब तब उसे मुंह की खानी पड़ेगी। अभी अगर मैं हाल फिलहाल की ही बात करूं तो पिछले एक महीने के दौरान हमने देखा है कि घुसपैठ की घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं, आतंकी अटैक्स बहुत ज़्यादा बढ़े हैं, लेकिन इसके बावजूद पिछले एक महीने के दौरान 28 आतंकियों को हमारे जवानों ने मौत के घाट उतार दिया है। जितने भी दुष्प्रयास किए उसे मुंह की खानी पड़ी है, लेकिन पाकिस्तान ने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा है। वो आतंकवाद के सहारे, प्रॉक्सी वॉर के सहारे अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने का प्रयास कर रहा है। आज जब मैं उस जगह से बोल रहा हूं जहां आतंक के आकाओं को मेरी आवाज सीधे सुनाई पड़ रही है, मैं आतंकवाद के इन सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि उनके नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। आतंकवाद को हमारे जाबाज पूरी ताकत से कुचलेंगे, दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। और नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई